हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तरफ से नया यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कस्तूरबा गांधी की तरफ से किस तरह से यहाँ पे अपडेट जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऑन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, किस तरह से आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में सिंपली टाइप करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। सिंपली जैसे ही टाइप करेंगे फ्रेंड्स, आपको इस तरह से फर्स्ट वाला जो लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो पेज है कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो पोर्टल है यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको, अगर आप भी 2022 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में फॉर्म अप्लाई किए हैं ऑनलाइन, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के यहाँ पे आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तरफ से नया यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो सिलेक्शन लिस्ट है, थर्ड लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स, अगर आपने भी अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं 2022 में यहाँ पे थर्ड लिस्ट है यहाँ पे जारी कर दिया गया है, और किनका किनका यहाँ पे इस लिस्ट नाम आया है आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे इस पोर्टल पे आना है और नोटिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली क्लिक हेयर टू व्यू पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आपका जो है खुलकर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पाँच जो लिस्ट है थर्ड लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। वार्डन और शिक्षक के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई किए हैं उनका इस लिस्ट में नाम आया होगा। जिनका भी यहाँ पे जो पटना जिनका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उनका यहाँ पे इस लिस्ट में नाम आया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैंडिडेट नाम देख सकते हैं और उनका फादर नाम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे मेरिट भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ब्लॉक अलॉट देख सकते हैं फ्रेंड्स। उनका जिनका इस लिस्ट नाम है फ्रेंड्स, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पे पाँच लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है और इसमें अपना जो नाम है यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो रोल नंबर है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से अपना जो नाम है देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो 2022 में थर्ड लिस्ट में जो सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसमें भी कैंडिडेट का नाम और यहाँ पे पाँच जो लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स, इस तरह से अपना जो फाइनल यहाँ पे जो थर्ड लिस्ट है उसमें आपका जो नाम आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। कि प्रथम द्वितीय और चरण के रिक्त रह गए पदों के विरुद्ध यहाँ पे जिला के तृतीय काउंसिलिंग सारणी यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुजफ्फरपुर, पटना और गोपालगंज और औरंगाबाद और सारा यहाँ पे ढेर सारा जो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पे नाम दिया गया है। यहाँ से भी अपना जो काउंसिलिंग लिस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इतना ही, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।